कोरोना महामारी की चल रही दूसरी लहर के चलते प्रशासन ने इससे बचाव के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें दुकानों को खोलने और बंद करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी, ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके। वहीं थाना डमटाल के अंतर्गत पड़ते छन्नी तोकी, ग्वेरियर संघेड़ पुल, मोहटली रैंप, ढांगू चक्की पुल और न्यू बस्ती ढांगूपीर में खुले हुए शराब के ठेकों पर तैनात सेल्समैन द्वारा एक दिन भी सरकार के आदेशों की पालना नहीं की गई है और रोजाना 8 बजे के बाद कई सेल्समैन आधे शटर बंद करके शराब बेचते हैं, तो कई दुकानों के शटरों में रखे हुए सुराग से शरेआम शराब बेचते हैं। इन शराब की दुकानों के मालिकों द्वारा नियमों को ताक में रखकर देर रात 10 बजे तक शराब की नियमित बिक्री की जाती है। इस दुकानों के आसपास खुले हुए दर्जनों अवैध अहातों के मालिकों के भी यही हाल है। वो भी रात 10 से 11 बजे तक अपनी दुकानें खुली रखते हैं और अपनी दुकानों में स्थानीय पुलिस प्रशासन की परवाह न करते हुए अपनी दुकानों में पियकड़ों को बिठाकर शरेआम शराब पिलाने का काम करते हैं। डमटाल पुलिस की टीम भी इन अड्डों पर रात 8 बजे एक चक्कर लगाकर इन दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए बोलती है, पर फिर भी यह ठेके के मालिक और अवैध अहातों के मालिकों पर पुलिस की कही बात का कोई असर नहीं होता है और यह अपनी दुकानें निडर होकर रात 10 बजे के बाद ही बंद करते हैं। यही नहीं, इन अड्डों पर अन्य फास्ट फूड और करियाने की दुकानें भी इन अहातों को खुले हुए देखकर वे भी अपनी दुकानें 10 बजे के बाद ही बंद करते हैं। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन और डमटाल पुलिस ऐसे दुकानदारों पर क्या कार्यवाही अमल में लाती है। एन स्टार न्यूज़ के लिए इंदौरा से ब्यूरो रिपोर्ट।